आप देख रहे हैं खबर सिटी न्यूज। खबरों के तेज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 14 लाख की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए 3 आरोपियों में से 2 रायगढ़ और 1 आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं। नवागढ़ थाने के TI देवेश राठौर ने बताया कि सेमरा गांव की सोनी लता बर्मन ने 23 जून को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनके पति रेशम लाल बर्मन का निधन 17 मई को हुआ था। मृत्यु के पहले रेशम लाल बर्मन ने बताया था कि फेसबुक और व्हाट्सएप में उनकी चैटिंग निशा उर्फ राज कुमारी नाम की महिला से होती थी। बाद में निजी बातें भी होने लगी थी। इसका अश्लील वीडियो बनाकर निशा उर्फ राज कुमारी द्वारा वायरल करने की धमकी देकर दिसंबर 2020 से मई 2021 तक 14 लाख रुपए की ठगी की है। साथ ही अब और पैसों की मांग की जा रही है। मामले की रिपोर्ट पर IPC की धारा 384-34 के तहत जुर्म दर्ज किया गया और टीम बनाकर रायगढ़ निवासी आरोपी सुजाता बोहिदार, विजय रात्रे और ओडिशा की रंजिता बोहिदार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 2 मोबाइल, बैंक के 5 पासबुक, 4 ATM, बाइक, अलग अलग मोबाइल कंपनी की 10 सिम और मेमोरी कार्ड को जब्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सिटी न्यूज। हमारी खबरों को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं।